अबे तुमने नाम की सुपारी मिली है पूरे 50,000 की। अगर तुमका अपनी जान प्यारी हो तो पूरे 51,000 रुपए लेके हमारे घर के द्वारे आ जाओ। अबे 51,000 का तुमको 51 रुपए ना दे, हमको मारना इतना आसान नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स अपने घर के बाहर खड़ी है। अबे हमारा नाम है कालीन भैया, पुलिस खड़ी हो या मिलिट्री, घर घुस के पिछवाड़े में गोली मारा था। हम तुम्हारा पिछवाड़े चप्पल से लाल कर देबा, सब्जी लेवे कहे रहन, काहे नहीं ले। अरे महारानी तुमसे कितनी बार कहें जब बिजनेस की बात कर रहे हुआ करें तो बीच में कचर कचर ना किया करो। कितनी बार कहें नहीं, अपने बिजनेस बिजनेस मार काट सब घर के बाहर ही छोड़ के आवा करो। अरे सुसु गुस्सा ना करो। सुसु नहीं, हमारा नाम सुशीला है। कितनी बार कहें नहीं, सुसु पुसु हमके नहीं कहा करो, समझ में नहीं आवे दिखा तुमका। अबे सुन, इससे पहले कि हमारी मुंडी खराब हो पैसा हमारे घर पहुंच जाना चाहिए। अबे जाओ तुम पहले अपनी सूसू का सब्जी लाग दो, वरना वह चप्पल से तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करी है, वसूली करी है। चल फोन रख बक। अबे मुन्ना काय दिन भर पढ़ा लिखा करा तो? कुछ नहीं पापा, बस शेर पर निबंध लिख रहे हैं। निबंध ही लिखे हो, कभू शेर बने हो ना? यू नहीं कि मोहल्ले में निकल के कोई का मारो पीटो अपना दबदबा बनाओ। अरे पापा हम तुमका पहले बताए हैं, हमका यू लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लगा था। हमका पढ़ना पसंद है। अबे पढ़ लिख के कहा कर ले हो, पढ़ लिख के आज तक कोई कुछ नहीं कर पावा है। अबे वह कहावत नहीं सुने हो, पढ़ोगे लिखोगे बेचोगे पान, लड़ोगे झगड़ोगे बनोगे डान। पापा ये गलत कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये कहावत है। अच्छा, लेकिन हमारे पापा यानी कि तुम्हारे दादा तो हमका यही कहावत सुनाए थे। अरे दादाजी तो बिल्कुल गधार है, अगर तुमका दादाजी पढ़ाई लिखाई न होता है तो आज तुम शर्मा के पापा के जैसे पुलिस में होते हो। अबे हमसे पुलिस की बातें ना करो, ये सब शर्मा और मां सब हमारी जेब में पड़े रहा थे, रोज हमारे गोदाम में सलामी ठोके आवत हैं। पापा ज्यादा फेंका ना करो, शर्मा अंकल से पिछली बार पट्टे खा रहो तो एक हफ्ते तक बढ़ते बनी रही रहा है। अबे बैलो निशान तो गाड़ी से गिरने का रहा है और ये सब तुमका उल्टी सीधी बातें को बता रहा है। अरे हमका सब पता चल जाता है, शर्मा अंकल का लड़का हमारा दोस्त है, वही बता रहा है कि हमरे पापा तुम्हारे पापा का हवालात न बंद करके पिछवाड़ा सुझाई दी नहीं। अबे कहाँ तुम इस झूठे लोगन की बात में माया जाते हो, ये सब पढ़े लिखे लोगन से दूर रहा करो। कितनी बार कहेंगे मोहल्ले में निकलो, कुछ दबदबा बनाओ, वसूली करो, मारपीट करो, तमंचा दिखाओ, कुछ ना कर पाओ तो स्कूल से पेंसिल चुरा लाओ, कुछ तो सीखो। अरे पापा हम कोशिश कर तो रहे हैं, पिछले हफ्ते पेंसिल चुरा रहन, एक मास्टर जान गुआरा है हमका घुमाए घुमाए के बहुत मारिस रहे। इतनी की हिम्मत है जो कालीन भैया के लौंडे का हार लगा दे, हमका काहे नहीं बता रहा हूँ। अरे बतावे तो जा रे रहन, पर तुम्हारा सूजा पिछवाड़ा देख के रहम खाएगे रहन। अरे बेटा हमरा बस अत्ता कहने का मतलब है कि कालीन भैया के लौंडे होने के नाते तुम ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखो, वरना धीरे धीरे अपना वर्चस्व क्षेत्र पर से कम हो जाएगा, आखिरकार आगे चल के तुमको ही तो सारा काम धंधा संभालना है। बस यही सब सिखाओ हमरे लौंडे का, मार काट चोरी चकारी लड़ाई झगड़ा, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, अब उका सिखाए रे। तुम तो चुप ही रहो सुशीला, एक हमारी अम्मा रहे जो हमारे बाप का सारा हिसाब किताब संभाल रहे हैं, कब कहाँ से कितनी वसूली आनी है, कितनी फिरौती आनी है, सब हिसाब रख कर रहे हैं। एक तुम हो जिकी सोच घर गृहस्थी के आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा ही यू सब बकवास समझे करे ना, हमका पता है तुम कितने पानी में हो, हर बार घर से निकले तो पुलिस के पट्टे खाए के वापस आवे तो हम तो अपने लौंडे के साथ यू सब ना हुए देबा। हाँ पापा अम्मा सही कह रही है, हमका मार से वैसे भी बहुत डर लगा था। अरे मुन्ना जब तुम्हारे हाथ में तमंचा हुई है तो कोई तुमका हार ना लगाई है, पिछले हफ्ते तुमका तमंचा लाए के दिए रहन, चलाना सीखे हो कुछ? क्या पापा नकली तमंचा लाए दिए रहो, एक फायर में फटके फ्लावर हुई हुआ रहा है। अरे मुन्ना पहले नकली तमंचे हाथ साफ करो, फिर इम्पोर्टेड तमंचा लाए के देवा, एकदम भौकाल से घूमे मोहल्ले में। अखंडा क्या चल रहा है मिर्जापुर में? नमस्ते बाबू जी, आप कब आए? हम तो 70 साल पहले ही आए थे, फिर तुमको लाए। हाँ वो तो ठीक है बाबूजी, पर यहाँ कैसे? हम सुने हैं अखंडा क्षेत्र में दबदबा कम हो रहा है। नहीं बाबूजी, कोई गलत खबर दिया है आपको? अखंडा हम यहाँ रहते तो नहीं है, पर मिर्जापुर का कुत्ता भी जब पादता है ना तो उसकी गूंज हमको लखनऊ में सुनाई पड़ती है। बहू ओ बहू, अब हमसे पैरों की मालिश वालिश करेगा ना? कह दिय
ए सुशीला, बाबूजी से कैसे बात कर रही हो? जाके बाबूजी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। अरे दादा, पिछली बार अपने व्हील चेयर का रिमोट तो आप ही भूल गए रहो। हाँ बेटा मुन्ना, मिल गया क्या? बिना रिमोट के बहुत दिक्कत होती है। हाँ दादा, हमारे पास है, ला चेक करके देखन चल रहा है कि नहीं। अरे मुन्ना ये क्या कर रहा है? मुन्ना पीछे लो। अरे ये पापा, ये तो बहुत गजब चीज है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। अरे पापा, ये रिमोट बंद ही रहा है, काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ हुआ है। दादाजी कहाँ गए? मम्मी दादाजी तो चले गए। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।